हेलो दोस्तों, वेलकम है हमारे एक छाऊ नवा ब्लॉग वीडियो पर। आज हम लोग आपको दिखाएंगे रिंग रोड से आप लोगों को रीवा किस तरह उसका विकास हुआ है। ये हम लोग चिरहुला के पास पहुंचने वाले हैं। तो अपना पचे देखत रही, लाइक करी, कमेंट करी, चैनल का सब्सक्राइब जरूर करी। अपना परिचय का राकेश कुमार रावत ब्लॉग्स, जो कि बघेली विंध्य क्षेत्र का एक लौता ब्लॉग वीडियो चैनल है, जो कि अपने बघेली पर है। जय चिरहुनाथ। ये देखिए चिरहुला नाथ गेट का गेट है, जो कि यहाँ पर हनुमान जी का राज है। और अब हम लोग आगे चलते, अब हम लोग आगे बढ़ते हुए, यानी कि विंध्य क्षेत्र ऐसा विंध्य का पहले जो था राजधानी थी रीवा जिला ही था, यानी कि विंध्य की राजधानी रीवा थी। अब इसको जब से मध्य प्रदेश बना है तब से भोपाल कर दिया गया है। ये देखिएगा 3 किलोमीटर दूर रीवा अपना यहाँ से बचा हुआ है। ये देखिए हम लोग आ चुके हैं पुलिस लाइन के पास, जो कि गुर चौराहा बहुत ही शानदार और गजब चौराहा बना हुआ है। ये देखिएगा पुलिस वालों का फिलिंग स्टेशन बना हुआ है, यानी कि यहाँ बहुत ही शुद्ध मात्रा में पेट्रोल मिलता है। और अब हम लोग आगे बढ़ते हुए धोबी टंकी के पास, ये देखिए सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय है, जो कि रीवा का सबसे पहला आरएसएस द्वारा बनाया गया था। और अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जो कि भैया टंकी चौराहा के पास पहुंच चुके हैं। अब ये देखिए यहाँ पर जाम की स्थिति निर्मित हो गई है। और ये हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ित लाल हैं। तो अपना पचे का एक छोटी बात बताना चाहिए थे कि रीवा जिला का वाइट टाइगर सफ़ेद शेर की धरती के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ की लोकल लैंग्वेज है बघेली, बघेली भाषा बहुत ही प्यारी भाषा है। ये देखिएगा संजय गांधी हॉस्पिटल का ये गेट आ चुका है, इधर से 2 नंबर, यानी कि गुड़ साइड से जाएंगे तो 1 नंबर, उधर से आएंगे 2 नंबर, यानी कि विंध्य का बहुत बड़ा हॉस्पिटलों में से एक है। यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक ऐसे ही जाम का नज़ारा बना रहता है फ्रेंड। इसलिए मैं तो यहाँ रेफर करूँगा कि आप लोग बाइक के द्वारा ही घूमें, जिससे आप जहाँ मन हो वहाँ कहीं से निकल जाता है आदमी। तो विंध्य में जो कि माना जाता है कि बीरबल जी यहीं अपने विंध्य क्षेत्र के ही थे, और तानसेन भी विंध्य क्षेत्र के ही थे। और अब हम लोग गेट नंबर 1 आ चुके हैं, संजय गांधी हॉस्पिटल। ये बहुत ही बड़ा विंध्य क्षेत्र का हॉस्पिटल बना हुआ है महाकौशल में, यानी कि जबलपुर के पास से लोग बाग, आसपास के लोग बाग यहाँ आते हैं अपना इलाज कराने। और अब हम लोग यहाँ से राइट टर्न लेंगे, जो कि सिरमौर चौराहा होते हुए आपको नया बस स्टैंड प्लस पुराना बस स्टैंड की तरफ से भी जाया जा सकता है। और अब हम लोग धीरे धीरे कला मंदिर रोड पर चलने वाले हैं। ये ऑटो वाला आगे निकल भैया, जल्दी निकल भाई। हाँ, हमारे गाड़ी जो ड्राइवर हैं वो भी थोड़ा बहुत ही आराम से ही गाड़ी चलाते हैं। तो ये देखिए अपना रीवा, रीवा जिला अंडर डेवलपमेंट में है, यानी कि रीवा सतना सीधी शहरों में से सबसे बड़ा रीवा है। और रीवा एक संभाग भी है, यानी कि ये देखिए अब हम लोग धीरे धीरे वो जस्ट सामने जो मंदिला दिखा रहा है, साईं मंदिर की मंदिला आई है जस्ट सामने। अब हम पचे फिर से राइट टर्न लेफ्ट, जो कि रीवा का मेन मार्केट है, शिल्पी प्लाजा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यह इंदौर के तर्ज पर बना हुआ है, यानी कि रीवा की इकलौती बहुत बड़ा शान है। और आप लोग को वीडियो कैसा लागत लाग है, थोड़ा का निकाह लागत हो लाइक करा, कमेंट करा।
और चैनल को सब्सक्राइब करी। हम हैं अपना के राकेश कुमार, अपना पचे देखे लखन फेस है राकेश कुमार रावत ब्लॉग, जो कि एक बघेली और हिंदी पर ब्लॉग वीडियो आपको अपलोड होती है, तो आप लोग बहुत इंजॉय करें और आने वाले समय में आप लोगों को बहुत सारी ब्लॉग वीडियो देखने को मिलेगी। जस्ट इसी मानसून आप लोगों को समथिंग वाइट टाइगर सफारी फिर से चलेंगे एक बार, और वीडियो पड़ी हुई है और सोलर प्लान तो आप लोग देख ही चुके हैं मेरे पिछले ब्लॉग पर, और अब हम लोग चलेंगे आप लोगों को अमरकंटक चलेंगे, थोड़ा जिला से बाहर चलेंगे अमरकंटक, और माँ शारदा माता विंध्यवासिनी के दर्शन कराने भी आप लोगों को चलेंगे। ये देखिए अब हम लोग बस स्टैंड, पुराना बस स्टैंड के पास आ चुके हैं, राइट साइड पर जस्ट अभी फ्रेंड सिविल लाइन थाना भी बना हुआ है। ये देखिएगा यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है, जैसे कि ये अपना हम लोग आ गए कलेक्ट्रेट यानी विंध्य का बहुत ही बड़ा और अलग डिजाइन का ही बना हुआ है, सफ़ेद कलर से पुता हुआ है कलेक्ट्रेट है। और ये हम लोग अब पहुँच चुके हैं अपना के का कहते हैं जय स्तंभ के पास, तो अपना पता के थोड़ा बहुत वीडियो का लाभ हो तो लाइक करी, कमेंट करी, चैनल का सब्सक्राइब जरूर करी, कमेंट जरूर करी कौन अपना पता वीडियो देखे चाहिए थे, और अपन अपने परिवार वाले के ख्याल रखा के बाद मिली थी अगले नवा ब्लॉग पर अपना पचे।